नमस्कार, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं तलाश टीवी। गढ़वा के लिए कल का दिन खास होने वाला है, खास करके भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र का। क्या है पूरा मामला, कुछ दिनों से चर्चा में भी है। हमारी स्क्रीन पे आप देख ही चुके होंगे और हमारे वीडियो के थंबनेल में आप देख चुके होंगे, उसी खबर की हम चर्चा करेंगे और कल के होने वाले कार्यक्रम के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे इस खबर के माध्यम से कि कल क्या क्या होने वाला है, कब कब होने वाला है, कहाँ कैसे होगा सारा चीज़। तो जिन लोगों को पूरी जानकारी ना हो हमारे वीडियो को बिल्कुल देखें। तो देखिए, कल जो है भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक है भानु प्रताप शाही, उनके द्वारा 51 गरीब असहाय लड़कियों की शादी की जानी है। कल भवनाथपुर में एक कार्यक्रम होना, सामूहिक विवाह का कार्यक्रम होना है, उसी को लेकर के बिल्कुल तैयारी चल रही है। क्या कुछ हो रहा है, आज क्या हुआ, वो सारी चीज़ की हम जानकारी लेते हैं एक एक करके। देखिए, आज जो है गढ़वा शहर में, इनको आप पहचानते होंगे, मैं भी बहुत लोग, बबलू पटवा हैं जो भानु प्रताप शाही के साथ हमेशा रहते हैं और इन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इनके हाथ में, आप देख रहे होंगे, सबके हाथ में आमंत्रण कार्ड भी है जिसमें लिखा हुआ है 51 बहनों का सामूहिक विवाह, दिनांक 28/2/2024, दिन बुधवार। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी कि कल का कार्यक्रम जो होगा वो काफ़ी भव्य होगा और सभी लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है, घूम घूम कर आमंत्रित किया जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आमंत्रित किया जा रहा है और लोगों से अपील की जा रही है कि कल के कार्यक्रम में जरूर आए। आगे आज जो आप देखिएगा, भानु प्रताप शाही की जो है एक दो तस्वीरें आई हैं। भानु प्रताप शाही जो है आज कार्यक्रम का जो स्थल है वहाँ पर जाकर के निरीक्षण किए, कितनी तैयारी हो रही है, नहीं हो रही है, वो सारी चीज़ों का खुद जायजा लेने के लिए वो पहुँचे थे। हालांकि आज मौसम तो थोड़ा ख़राब सा दिख रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी भानु प्रताप शाही खुद पहुंच करके सारे चीज़ का जानकारी ले रहे हैं और कार्यक्रम को सफल बनाने का के प्रयास में जुटे हुए हैं। आगे समझते हैं कार्यक्रम जो है वो कब होगा। कार्यक्रम जो होगा वो 8 बजे से विवाह का कार्यक्रम आपको शुरू हो जाएगा, जो जानकारी हमें मिल पाई है। 8 बजे से विवाह का कार्यक्रम शुरू होगा और इस पूरे कार्यक्रम के दौरान जो एक आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, जो आने वाले हैं, वो है खेसारी लाल यादव, जो भोजपुरी के गायक हैं। भीड़ जुटाने की भी एक टेक्निक है कि ऐसे लोगों को बुला लिया जाए जिनके वजह से भीड़ ऑटोमेटिक जुट जाए। कार्यकर्ताओं का कहना है, जो आयोजन समिति है विवाह के लिए, आयोजन समिति के जो लोग हैं उनका कहना है कि चूंकि लोगों को उबाव ना महसूस हो के विवाह का कार्यक्रम, इसलिए खेसारी लाल यादव उनको बुलाया जा रहा है ताकि लोगों का मनोरंजन होता रहे। आपको बता दें कि पहले भी खेसारी लाल यादव इनके कार्यक्रम में आते रहे हैं और काफ़ी भीड़ जुटती रही है। अब जो सबसे मेन बात एक और आती है कि भानु प्रताप शाही जो है पूरे विवाहिक कार्यक्रम के दौरान किस रोल में होंगे। तो ये शुरू से ही, आज से पहले भी ये शादी करवाए हैं, तो शुरू से ही ये उन सभी लड़कियों के भाई के रूप में अपने आप को दिखाते आए हैं और शो करते हैं कि भाई हम उनके भाई बनकर उनका कन्यादान करेंगे या जो कुछ भी उनका विवाहिक कार्यक्रम संपन्न करेंगे। तो कल जो होने वाला है, भानु प्रताप शाही जो है वो 51 बहनों की शादी कराएंगे और उनका भाई का रोल अदा करेंगे। आपको यह भी बता दें कि अब तक लगभग 6 वर्ष से यह कार्यक्रम या सामूहिक विवाह का जो यह आयोजन है होता रहा है और टोटल अब तक करीब 250, जो जानकारी हमें मिली, बबलू पटवा से हमारी बात हुई थी उनके थ्रू जो जानकारी मिली, बताया गया कि लगभग 250 गरीब असहाय बहनों की शादी इस तरह के कार्यक्रम के दौरान की गई है। बहुत ही तारीफ की बात है, ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। तो ये जानकारी जो है आपको हमने दिया। अगर यह जो न्यूज़ आपको पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कल का कार्यक्रम, जैसा मौसम दिखाई दे रहा है, सफल होने की हम लोग उम्मीद रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।